रमा शंकर शर्मा जी और रेणु शर्मा जी, परम पूज्य महाराज जी राधा वल्लभ जय श्री हरिवंश। महाराज जी प्रश्न कुछ नहीं है, केवल इतना है कि जब जब हम वृंदावन दोनों पति पत्नी आते हैं तो हमारे ठाकुर जी घर पर ही अकेले रह जाते हैं, उनकी सेवा पूजा कैसी होती होगी, महाराज जी मार्गदर्शन करें। जब आप आया करें तो अगर ठाकुर जी बड़े हैं साथ नहीं ला सकते हैं, वैसे सेवा पद्धति में दो प्रकार की सेवा पद्धति पास हर सेवक रखता है। जैसे हम लोग बड़ी छवि रखते हैं तो राधा नाम सेवा भी रखते हैं, कभी चलना हो तो सब नहीं ले सकते तो राधा नाम सेवा ले ली। जिनके यहाँ बड़े ठाकुर विराजमान होते हैं तो छोटे ठाकुर जरूर विराजमान होते हैं। आप देखना जहाँ बड़ी सेवा विराजमान होती है वहाँ छोटे ठाकुर होते हैं। मान लो अगर युगल सरकार बड़े विराजमान तो एक छोटे युगल सरकार है, तो बड़े युगल सरकार की जैसी हो वैसी हो भावना में छोटे युगल सरकार को उन्हीं में विराजमान करके लेके चल देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हम बिना सेवा के नहीं रह सकते, और तो हमारे प्रिया प्रीतम हमारे बिना नहीं रह सकते, तो उनको साथ लाने की करें। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो अपने ही ठाकुर का चित्रपट रख ले और उसको पास छोटा सा चित्रपट रख ले, और ठाकुर मूर्ति रूप में घर में विराजमान है, चित्रपट है, हम दुलार करते हुए यहीं से भेजते रहते हैं, तो हमारे प्रिया प्रीतम की सेवा हमारी होती रहती है। हमारे प्रिया प्रीतम उनको कहे कि आओ अभी तक तो घर में रहे, आओ महल ले चलते वृंदावन, हमारे साथ आओ, हमारे हृदय में बैठो, हमारी गोद में बैठो, ऐसी भावना से। जरूरी थोड़ी कि प्रिया प्रीतम वहीं विराजमान है, उनका महल है, उनको भी तो लाओ, भावना में लाओ। जब यहाँ भोग पाओ तो उनको पवाओ, जब यहाँ कोई भी पुष्प देखा, माला देखा, सामग्री सुंदर देखे तो भावना से तुरंत कि ये प्रिया प्रीतम के लिए अच्छा रहेगा, भले नहीं लिया लेकिन भावना से अच्छा रहेगा, पहुंचा दिया। भावना बनानी है ना, वस्तु लेना ना लेना कोई खास बात नहीं। श्री कृष्णदास जी गए हुए थे तो उन्होंने देखा गरम गरम जलेबी बन रही, तो उनका ओह ये सुंदर जलेबी तो श्रीनाथ जी के लिए बहुत सुंदर रहेगी, वह आंख मुंदी और भावना। तो यहाँ जब श्री विट्ठल नाथ जी ने पर्दा हटाया तो देखा कि श्रीनाथ जी जलेबी पा रहे, तो कहा कि जय जय हमने तो जलेबी का भोग लगाया नहीं और ये जलेबी आप पा रहे। बोले कृष्णदास जी गए ना बाहर तो वहां से वो भोग लगा, तो बोले यहाँ तो बाहर की जलेबी का भोग लगता नहीं, अब बोले गरम गरम बन रही थी, कृष्णदास ने कहा तो हम पा रहे, वहां उन्होंने सोचा और यहाँ ठाकुर श्रीनाथ जी पा रहे। अर्थात ठाकुर जी आपकी भावना को पाते हैं। अगर आप जिसे मान लो कोई भी वस्तु देखी और आपके मन में आ कि ये हमारे प्रिया प्रीतम के लिए बहुत बढ़िया उपासना बन रही, जैसे आप बच्चे को प्यार करते हो ना और जब बाजार जाते हो तो देखते हो ना मेरे बच्चे के लिए कौन सी वस्तु अच्छी रहेगी, ऐसे आप प्रिया प्रीतम के लिए देखो ये मिठाई अच्छी रहेगी, ये पोशाक अच्छी रहेगी, ये प्रिया प्रीतम भले हम नहीं खरीद रहे लेकिन हम भावना में डूब रहे, मेरे प्रियाजू को ये पोशाक बहुत अच्छी रहेगी, वो प्रियाजू आपकी पोशाक ले रहे स्वीकार कर रहे और आपके अंदर प्रेम बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे ना।